वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको 6 तरीके से मिल्क शेक बनाना बताऊंगी। मिल्क शेक पीने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही साथ ये हेल्दी भी होता है। बच्चे जो है रोज फ्रूट नहीं खा पाते हैं, तो इस तरह मिल्क शेक बनाकर उन्हें दे सकते हैं। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप मुझे यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एप्पल मिल्क शेक बनाएंगे। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए हमने एप्पल को बारीक बारीक कट कर लिया, छिलका उतारकर इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। 3 से 4 हम आइस क्यूब ऐड करेंगे इसमें। थोड़ी सी डालेंगे हम इलायची पाउडर। 2 टीस्पून शक्कर ऐड करनी है। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है ठंडा चिल्ड दूध बॉईल किया हुआ। सभी को मिक्सी में ग्राइंड करना है। मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। अब सर्विंग ग्लास में हम इसे सर्व करते हैं। थोड़ी सी कटी हुई एप्पल को इससे हम गार्निश करेंगे। थोड़े से हम पिस्ते से भी गार्निश कर देते हैं। लीजिए एप्पल मिल्क शेक तैयार हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल सर्व कीजिए। अब हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक। तो 1 बनाना को मैंने कट किया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 आइस क्यूब डालेंगे हम। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। 2 टीस्पून हमने लिए शक्कर। 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। सभी को एक बार हम ग्राइंड कर लेते हैं। मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है, चलिए हम सर्व कर लेते हैं। गार्निश के लिए कुछ पीस मैंने केले के कट करके रखे थे, उससे हम इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे रोज सिरप, बहुत ही टेस्टी लगता है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। पिस्ते काजू से भी हम गार्निश कर देते हैं। तो चलिए हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। 1 कप लिया है पका हुआ आम, इसको बारीक कट कर दिया है। 3 से 4 आइस क्यूब। 1 कप ठंडा दूध। 2 टीस्पून शक्कर। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। सभी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। सर्विंग गिलास में हम डालेंगे। कुछ पीस हमने बारीक कट करके रखे थे, उसे हम गार्निश करेंगे। थोड़े से लगा देंगे हम बादाम पिस्ता, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। मैंगो मिल्क शेक तैयार हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल सर्व करें। अब हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट मिल्क शेक, जिसमें मैंने सारे फ्रूट को मिक्स कर लिया है। मैंगो, बनाना, एप्पल, अनार, सभी को मैंने मिक्स किया है। 1 कप मिल्क डालेंगे। 3 से 4 आइस क्यूब। इलायची पाउडर। 2 टीस्पून शक्कर। सभी को ग्राइंड करना है। गिलास में अब हम सर्व करेंगे। कितना यम्मी और डिलीशियस हमारा ये जूस बनकर तैयार हुआ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेक बना है। मैंगो, एप्पल और अनार से हम इसकी गार्निश करेंगे, जो हमने बारीक कट करके रखा था। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे इसमें। ठंडा ठंडा कूल कूल हमारा मिक्स फ्रूट शेक तैयार हो गया है। अब तक आपको कौन सा मिल्क शेक अच्छा लगा आप जरूर बताइए और लाइक कर दीजिए, वरना आप लाइक करना भूल जाते हैं। ये मेरा फेवरेट मिल्क शेक है, आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए अब हम बादाम पिस्ता मिल्क शेक बनाएंगे। बादाम पिस्ता मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने 6-7 काजू और 7-8 जो पिस्ता है उसको मैंने दूध में भिगो कर आधे घंटे के लिए रख दिया था। जो काजू और पिस्ता हमने भिगो कर रखे थे वो हम जार में ऐड करेंगे। आइस क्यूब डालेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। 2 टीस्पून शक्कर। शक्कर हम स्वाद अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप डालेंगे ठंडा दूध। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड डालेंगे केसर पिस्ता आइसक्रीम, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए। सभी को हम एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। गिलास में हम सर्व करेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें केसर पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता बादाम से हम इसकी गार्निश करेंगे। बादाम पिस्ता मिल्क शेक हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो ठंडा ठंडा कूल कूल सर्व करें। अब हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट मिल्क शेक।
चॉकलेट मिल्क शेक, 3 से 4 डालेंगे माइस क्यूब्स, 1 कप मिल्क, 2 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून डालेंगे हम ड्रिंकिंग चॉकलेट, 1 टीस्पून डालेंगे हम कोको पाउडर। सभी को ग्राइंड करेंगे। थोड़ी सी हम डालेंगे मेल्ट की हुई चॉकलेट नीचे। अब डालेंगे हमारा शेक, व्हाइट चोको चिप्स से हम इसकी गार्निश करेंगे। थोड़े से ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है, तो ठंडा ठंडा कूल कूल सर्व करें। आप देख सकते हैं 6 तरीके से यम्मी और टेस्टी मिल्क शेक बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। जब भी घर पर कोई मेहमान आए या फिर किसी भी तरह की पार्टी हो, तो जरूर आप बनाकर सर्व कीजिए। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा मिल्क शेक इनमें से पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।